स्वागत है आपका जी हिंदुस्तान पर, साथ आपके मैं शालिनी कपूर तिवारी। नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ रितिका सिंह और शुरुआत बुलेटिन की इस वक्त की बड़ी खबर के साथ कर रहे हैं। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री बदलने की तैयारी अब तेज हो चुकी है। सीएम के हवाले से बड़ी खबर मिल रही है। उत्तराखंड मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत दिल्ली पहुंच चुके हैं। बीजेपी आलाकमान ने मुख्यमंत्री को बुलाया है दिल्ली। मुख्यमंत्री पद के लिए सतपाल महाराज का नाम फिलहाल आगे चल रहा है। धन सिंह रावत का नाम भी है इसी श्रेणी में शामिल। अनिल बलूनी और अजय भट्ट भी इस रेस में आगे चल रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक अब मुख्यमंत्री उत्तराखंड का बदलने वाला है। दरअसल फूट पड़ती हुई नजर आ रही है उत्तराखंड बीजेपी के अंदर, और कई बड़े नेताओं ने यह कह दिया है कि त्रिवेंद्र सिंह रावत की अगुवाई में हम आने वाला विधानसभा चुनाव नहीं लड़ेंगे, त्रिवेंद्र सिंह रावत को हटाया जाए और उसके बाद ही हम आगे सहयोग करेंगे। तो बीजेपी में जिस तरीके से सियासी घमासान मचा हुआ है, विधानसभा चुनाव भी होने हैं, लेकिन उससे पहले दिल्ली तलब किए गए हैं त्रिवेंद्र सिंह रावत। इस वक्त प्रीति और लक्ष्मी मेरे साथ मौजूद है न्यूज रूम से सीधे लाइव। प्रीति लक्ष्मी, देखिए अगर ये घमासान आगे ना बढ़े, अंदरूनी कला बीजेपी की खुलकर ना सामने आए, इससे पहले बीजेपी की तरफ से ये बड़ा स्ट्रोक खेला गया है, अब मुख्यमंत्री कोई और हो सकता है? कई नेम रेस में देखिए कि ये पहले से ही अंदर खाने किस तरीके से बगावत शुरू हो गई थी, अंदर खाने से ही कैसे मनमुटाव सामने आ रहा था। तमाम मंत्री तमाम विधायक जो त्रिवेंद्र सिंह रावत की कार्यशैली और उनके कार्य व्यवहार से जो कि संतुष्ट नहीं थे, वो लगातार विरोध के स्वर उठ रहे थे पार्टी में, और इसीलिए केंद्रीय लेवल के दो शख्स को वहां पर भेजा गया है पार्टी की तरफ से। और ये माना जा रहा है कि त्रिवेंद्र सिंह रावत की, अभी बड़ी खबर इस वक्त मैं आपको अपडेट दे दूं कि दिल्ली पहुंच चुके हैं, उनको दिल्ली तलब किया गया है, क्योंकि जाहिर है कि अंदर खाने की नाराजगी पार्टी को कहीं ना कहीं एक बड़ा नुकसान पहुंचा सकती है, जिसके चलते अब ये खबर सामने आ रही है कि हो सकता है कि अब बहुत जल्द मुख्यमंत्री का चेहरा बदल सकता है। बिल्कुल, और देखिए ऐसा नहीं है कि ये कोई अभी की बात है, हम काफी लंबे समय से अगर देखें, हम थोड़ा सालों पीछे भी जाकर देखें तो लगातार किस तरीके से जो विधायक थे आपस में उनमें नहीं बन रही थी, और त्रिवेंद्र सिंह रावत के नेतृत्व को लेकर वो सवाल भी उठा रहे थे। ऐसे में बार बार जब सवाल उठाए जाने लगे, आपके पास हितेन का भी जरा हम रुख कर लेते हैं, क्योंकि ग्राउंड जीरो पर हितेन इस वक्त मौजूद है। हितेन, पहुंच चुके हैं त्रिवेंद्र सिंह रावत दिल्ली, आगे की क्या खबर आपके पास? बिल्कुल, देखिए अभी दिल्ली पहुंचे कुछ ही देर पहले, थोड़ी देर बाद उनकी मुलाकात जो है बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से होगी, उसके बाद बताया जा रहा है कि गृह मंत्री अमित शाह से भी एक बैठक जो एक मुलाकात उनकी होनी है। हालांकि ये पूरी की पूरी कहानी 2 महीने पहले रची गई थी। देखिए बगावत लंबे समय से चल रही थी, लेकिन खुलकर बगावत जो है 2 महीने पहले देखने मिली थी, और साफ साफ त्रिवेंद्र सिंह रावत के नेतृत्व में विधायकों ने काम करने से मना कर दिया था। और उसके बाद शनिवार को जो है 2 ऑब्जर्वर भेजे गए थे, डॉक्टर रमन सिंह और दुष्यंत गौतम, इन दोनों को भेजा गया था। एक एक करके विधायकों से उन्होंने मुलाकात की थी, और वो रिपोर्ट जो है उन्होंने यहां पर हाईकमान को पेश की। उसके बाद आज जेपी नड्डा की तरफ से जो है त्रिवेंद्र सिंह रावत को दिल्ली तलब किया गया है। हालांकि अभी समय नहीं दिया गया है कि कब तक मुलाकात होगी, लेकिन माना यह जा रहा है कि थोड़ी देर बाद दोपहर के बाद जो है त्रिवेंद्र सिंह रावत मिलेंगे जेपी नड्डा से, उसके बाद शाम को जो है गृहमंत्री अमित शाह से भी मुलाकात होगी। ये पूरी की पूरी बगावत जो देखने मिल रही है उसमें बीजेपी अब एक डैमेज कंट्रोल करती नजर आ रही है। सोर्सेस साफ कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री का चेहरा जो है वो बदला जाएगा, लेकिन उसके पहले त्रिवेंद्र सिंह रावत से मुलाकात जरूरी है, उन्हें बताना जरूरी है कि आखिरकार उनके खिलाफ क्या क्या मुद्दे उठकर निकल कर आए, और वो एक और मौका भी जो है हो सकता है कि पार्टी की तरफ से उन्हें दिया जाए कि बाकी विधायकों को मनाने की बात होगी कि क्या मुख्यमंत्री का चेहरा बदलने की रणनीति है, या फिर त्रिवेंद्र सिंह रावत को बुला करके फटकार लगाई जाएगी और ये कहा जाएगा अपना वर्किंग स्टाइल बदलो।